और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अतीक का शव हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीनों आरोपियों का पूछताछ में बड़ा खुलासा, शूटरों ने AA नाम से ग्रुप बना रखे थे और ग्रुप में शूटर्स के अलावा दो और लोग थे। तो AA का मतलब अतीक और अशरफ। सूत्रों के हवाले से देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। 27 फरवरी से ही शूटर्स रेकी कर रहे थे, हत्या से पहले बंद किया था व्हाट्सएप ग्रुप। तो देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था AA यानी अतीक और अशरफ, और पुलिस शूटरों के व्हाट्सएप ग्रुप की अब जांच में जुट चुकी है। और देखिए, दो और नाम इसमें आग पर कहे जा रहे हैं। किस तरह से 27 फरवरी से ही शूटर्स ने रेकी शुरू कर दी थी, यानी काफी पहले से ये प्लानिंग थी कि किस तरह से अतीक और अशरफ को गोली मारनी है, उनकी हत्या करनी है। तो देखिए, अतीक हत्याकांड पर 5 बड़े खुलासे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले, 3 आरोपियों प्लान का नाम जो है ऑपरेशन AA रखा गया था, जो इनका ऑपरेशन था इसे नाम रखा गया था AA, ठीक है। और हत्या के लिए 5 शूटर यहां पर गए थे, इनमें एक स्थानीय था, ये भी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक 3 शूटर पुलिस गिरफ्त में है। 3 शूटर बस के जरिए लखनऊ से प्रयागराज आए थे। देखिए, 3 शूटर्स की बात यहां पर कही जा रही है कि आखिर वो कैसे एक साथ मिले, कैसे यहां पर आए। और 3 आरोपियों ने चित्रकूट से फर्जी आधार बनवाया था और इसी फर्जी आधार के जरिए इन्होंने होटल में कमरा बुक करवाया था। तो SIT 3 आरोपियों पर एक और केस कर सकती है। और फर्जी आधार की बात यहां पर कही जा रही है कि किस तरह से चित्रकूट से जो है इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले लवलेश का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उसने बताया है कि वो अतीक से मिलने के लिए पहले भी प्रयागराज आ चुका था। लवलेश ने बताया है कि वो प्रयागराज के चकिया दफ्तर पर अतीक से मिला था। जी न्यूज़।